एक जहाज को चलाने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी जिस तरह से एक गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए प्लेन को उड़ाने के लिए दो पायलट चाहिए वैसे ही जहाज को चलाने के लिए भी एक ही ड्यूटी ऑफिसर चाहिए लेकिन जहाज पे जहाज चलने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जैसे बहुत सारे मेंटेनेंस वर्क डेक पे और इंजन पे तो उसके लिए हमें चाहिए बहुत सारे क्रू तो आइए जानते हैं एक जहाज पे कितने लोग काम करते हैं तो मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं एक इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर हूँ और टैंकर बिसेल पे सेल करता हूँ और आज मेरा जहाज पे है डेट सेवेंटी तो जहाज का सबसे ऊपर वाले रैंक पे होता है जहाज का बॉस उसे हम बोलते हैं कैप्टन उसके नीचे चीफ ऑफिसर उसके बाद सेकंड ऑफिसर उसके बाद थर्ड ऑफिसर चीफ ऑफिसर सेकंड ऑफिसर और थर्ड ऑफिसर आठ आठ घंटे की ड्यूटी करके जहाज चलाते हैं चौबीसों घंटे ये तो हो गए डेक साइड के ऑफिसर क्रू में सबसे ऊपर होता है बोसन उसके नीचे तीन ए जो की जहाज की स्टेरिंग भी करते हैं उसके बाद ऑर्डिनरी सीमेंट जो की दो या तीन हो सकते हैं और एक डेक फिटर सेम टैंकर जहाज पे पंप मैन भी बोलते हैं इंजन रूम में हो जाएंगे चीफ इंजीनियर सेकंड इंजीनियर एटीओ थर्ड इंजीनियर फोर्थ इंजीनियर इंजन रूम के क्रू में आते हैं एक इंजन फिटर और दो या तीन मोटरमैन और इन सारे लोगों का पेट भरने के लिए होता है एक चीफ कुक और एक जीएस एंड एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट द कैडेट्स द हार्ट ऑफ दिप